श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका नाम है बालाजी कृपा। और एक भक्त का अनुभव बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने 11 दिन की साधना शुरू की थी लेकिन वो साधना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, भक्तों। वो क्या कि इन्होंने अनुभव बताया है और बोला है, नाम मत लेना नहीं तो मुझे अहंकार ना हो जाए। सिर्फ यही लाइन इन्होंने बोली। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने अनुभव बताया कि मैंने 11 दिन का हनुमान जी की पूजा का संकल्प लिया था। संकल्प मैं खुद ही तोड़ा है। ये संकल्प तोड़ने का रीज़न क्या है वो बताने जा रहा हूँ आपको। संकल्प जो इन्होंने तोड़ना दो तरह कैसे होता है। तो टूट गया एक, तोड़ा जानबूझ के। 11 दिन में पाठ पूरे किए थे, उसके बाद भी चालू रखे। क्यों? शुरू के 2-3 दिन में ही इन्हें वाइट हनुमान जी दिखाई दिए थे, वाइट, जो आधे वाइट हैं और आधे नॉर्मल कलर के हैं, और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और 5वें से 7वें दिन के अंदर इनको एक और अनुभव हुआ। उस अनुभव में ये देखते हैं कि हनुमान जी छोटे रूप में इनका हाथ पकड़ के इनको लेके जा रहे हैं, टहला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, 10 से 11वें दिन के अंदर क्या अनुभव होता है इनको? विष्णु जी दिखते हैं और शेषनाग पे बैठे हैं और उनके पाँव के पास माता श्री लक्ष्मी जी बैठी हैं। अब इनका समय हो गया 11 दिन का पूरा, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं, अनुभव इतने अच्छे हो रहे हैं, मैं रोकूंगा नहीं, वो साधना जारी रखी। और कह रहे हैं कब तक जारी रहूँ कुछ पता नहीं। कई अनुभव हुए इन्हें। अनुभव में ये देखा इन्होंने कि इनके घर पे कोई काली छाया आ गई है और वो काली छाया इनके मम्मी और पापा को नुकसान पहुंचा रही है और ये रो रहे हैं। और इतने में ही 100 से 200 बंदर आ जाते हैं घर में उस काली छाया को नष्ट करने के लिए। लेकिन वो काली छाया शक्तिशाली थी, उन बंदरों को वो भगा रही है, मार रही है। और ये रोने लगते हैं और हनुमान जी का बीज मंत्र जो ये पढ़ते हैं, इन्होंने 3 बार पढ़ा और 3 बड़े बड़े दूत महाराज आ गए हनुमान जी महाराज के, और उन्होंने उस काली छाया को ख़त्म कर दिया। ये उन्होंने अनुभव किया और ऐसा अनुभव था कि ये बता रहे, रोंगटे खड़े हो गए इनके सुबह उठ के, और ऐसा लगा सब असली में चल रहा था, असली में। फिर इन्होंने बताया जब इनको 22 दिन के आसपास हुआ, एक्चुअली में इन्होंने 27 जनवरी को पहला दिन था इनका साधना का, जो 11 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये रेगुलर करते ही आ रहे हैं क्योंकि ये अनुभव के भूखे हैं। अनुभव क्यों इनके हो रहे हैं? इन्होंने अंडा मांस मछली दारू वारू सब छोड़ दिया है, सात्विक बन गए हैं और अब कह रहे हैं मैं ज़िंदगी में नहीं खाऊँगा बजरंग बली की कसम भी इन्होंने, मतलब वो बोली है कि मैं अब कभी भी नहीं खाऊँगा और ये हमेशा मैं, और 22 साल के हैं मात्र। उसके बाद इनको क्या अनुभव होता है कि इनकी पूंछ उगाई है और ये उड़ रहे हैं। दूत महाराज, 2 दूत महाराज इनका हाथ पकड़ के इनको उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते वो दूत महाराज गायब हो गए और ये उड़े ही जा रहे हैं और नीचे सागर है, समुद्र है नीचे। उड़ते जा रहे हैं जिस तरह से हनुमान जी महाराज सीता माता का पता लगाने समुद्र के ऊपर गए थे, इस तरीके से ये उड़ते जा रहे हैं। उड़ते उड़ते देखते हैं एक शिवलिंग दिखता है इनको, उस शिवलिंग पे हनुमान जी अभिषेक कर रहे हैं, समझ लो अभिषेक कर रहे हैं। तो ये अभिषेक कर रहे हैं, तो ये जाते हैं अभिषेक करते हैं और ये हनुमान जी महाराज के पांव छूते हैं, शिवलिंग को छूते हैं और ये बताते हैं उस दिन उठने के बाद कि भैया कोई भी इंसान इतना सुंदर हो ही नहीं सकता। वो इतने सुंदर लग रहे थे और वो हाथों को फील हो रहा था कि मैंने टच किया है। उठने के बाद सुबह ऐसा फील हो रहा था कि मैंने सच में टच किया। और उसके अगले दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि को इन्होंने फिर क्या किया, जब इन्होंने देखा कि हनुमान जी जल चढ़ा रहे हैं और ये इनकी पूंछ निकल आई उस तरह से उड़ रहे थे, तो इन्होंने निर्जला व्रत रखा शिवरात्रि का। निर्जला का मतलब जल की एक बूंद भी नहीं डाली इन्होंने, 24 घंटे व्रत रखा और भक्ति करते रहे। और यूँ अनुभव के भूखे नहीं हुए कि यार मैंने तो आज निर्जला व्रत रखा, आज तो शिवरात्रि, आज मुझे अनुभव ही नहीं हुआ। भक्ति करते रहे, जाप पाठ करते रहे। 5 दिन बाद अनुभव होता है, भोलेनाथ दिखे हैं, पार्वती माता बैठी हैं, त्रिशूल लगा हुआ है, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, बेटा यहाँ कैसे, चलो मांगो जो मांगते हो, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तो ये कुछ मांग ही नहीं पाया, भोलेनाथ ने बोला जो तुम मांगोगे सब कुछ दूंगा मैं, और ये कुछ मांग ही नहीं पाए।
उनको देखते ही रहे, देखते ही रह गए, देखते रह गए। कह रहे इतने अद्भुत और इतने ज़्यादा अच्छे और सुंदर और प्यारे लग रहे थे, कभी ज़िंदगी में शायद मैं दोबारा ऐसा अनुभव ना करूँ। इसलिए भैया ये मेरी साधना कब तक चलेगी मुझे नहीं पता, 11 दिन का संकल्प था, तोड़ दिया मैंने खुद, अभी तक पढ़ रहा हूँ रेगुलर। सोचो ज़रा कितनी बड़ी बात है, अपना संकल्प खुद तोड़ा जानबूझ के ताकि मैं उसे चालू रखूँ और मुझे अनुभव हो, और अनुभव मेरे हो रहे हैं। भोलेनाथ ने इनको आशीर्वाद दिया, बोलो क्या मांगते हो, भूल गए सब कुछ। हनुमान जी देखें, दूत महाराज आए रक्षा करने के लिए, काली छाया मार दी, जो इनके घर में कोई नेगेटिविटी होगी जरूर जरूर होगी, इनको पता होगा तभी इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू करी है, ठीक है, वो नेगेटिविटी उन दूत महाराजों ने ख़त्म कर दी, इनकी पूजा और पाठ से खुश होकर, ये अनुभव है। उन्होंने बोला मेरा नाम नहीं बताना, ठीक है, लेकिन 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 भैया ये सबको बताना कि हनुमान जी की भक्ति में बहुत कुछ है, और हनुमान जी की भक्ति करने वालों को उनकी प्रॉब्लम अपने आप दूर होंगी अगर वो निस्वार्थ भक्ति कर रहे हैं, तो सिर्फ सारे काम उनके बनते चले जाएंगे। मैंने निस्वार्थ भक्ति की है तो निस्वार्थ भक्ति के बारे में ही बताऊंगा मैं, तो वही उन्होंने किया, वही उन्होंने अनुभव में लिखा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और भी छोटे छोटे इनको कई अनुभव हुए इस दौरान, और जो कि भव्य थे, दो तीन जो भव्य थे वो मैंने आपको बता दिए। इन्होंने पूरा मेल लिख के भेजा मुझे, मैंने पढ़ा रात की लाइव के बाद, तो मैं अब बता रहा हूँ आपको, तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव लगे इनके, क्योंकि इनकी नेगेटिविटी भी खत्म हुई, भोलेनाथ भी दिखे, आशीर्वाद भी मिला, हनुमान जी महाराज भोलेनाथ को जल भी चढ़ा रहे हैं वो दिखा, और समुद्र पे उड़ के भी जा रहे हैं ये, और हनुमान जी की तरह इनको पूंछ भी निकल गई। जो हाँ इन्होंने ये बताया कि इस तरीके से हो गया था भैया, मैं अपने आप को देख रहा था तो मैं हनुमान लग रहा था खुद, इन्होंने ये भी बताया मुझे मेल में। तो ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति आप सबको मिले, मेरा यही आशीर्वाद है। हनुमान जी से भी मैं यही विनती करता हूँ, आप सब पे कृपा करें, आपके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। यह अनुभव आपको कैसा लगा जरूर बताना, और उम्मीद है इस अनुभव से आपकी भक्ति और बढ़ेगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।